नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आचार्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि उम्मीद की जो साइट है उम्मीद डॉट डिजिटल आई आर डॉट इन पर मेडिकल कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी कि मेडिकल कार्ड कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ हमने पहले से ही गूगल क्रोम को ओपन कर रखा है। हम आपको बता दें कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उम्मीद की साइट पर मेडिकल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मेडिकल कार्ड को बना सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और टाइप करना है उम्मीद डॉट डिजिटल आई आर डॉट इन, ये टाइप करके आपको ओपन कर लेना है। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप उम्मीद की साइट पर जा सकते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो हम उम्मीद के होम पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें 6 बटन नज़र आएंगे। पहला बटन होम का है, जिसमें अबाउट है, यानी इस साइट के बारे में। लॉगिन में है, लॉगिन बटन में रजिस्टर, लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट लॉगिन है। तीसरा बटन है गाइडलाइंस, चौथा बटन है मेडिकल इन्फॉर्मेशन, पाँचवें नंबर का हेल्प डेस्क और 6 नंबर का है डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हमें लॉगिन पर जाना है, यानी कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है, इसलिए हमें इस साइट में लॉगिन होना है। तो हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देते हैं, ये हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमें उम्मीद का एक नया पेज दिखाई देगा, जिसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले तीनों कॉलम में, पहला कॉलम है एम्प्लॉय पीएफ नंबर। तो चलिए यहाँ पर एम्प्लॉय का पीएफ नंबर डाल देते हैं। उसके बाद दूसरे कॉलम में चलते हैं दोस्तों। दूसरे कॉलम में पासवर्ड, यहाँ पर हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था, जो पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद अगले कॉलम में चलते हैं, एंटर कैप्चा। यहाँ पर जो आपको खाली कॉलम नज़र आ रहा है एंटर कैप्चा, वहाँ पर इसके पास में जो कैपिटल लेटर में कैप्चा दिखाई दे रहा है, वो एंटर करना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। कैप्चा टाइप करने के बाद नीचे लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लॉगिन बटन पर हमें क्लिक कर देना। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम उम्मीद के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे और हमें मास्टर डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसे हम मास्टर डैशबोर्ड में पहुंचेंगे, तो हमें राइट साइड में एम्प्लॉय का नाम दिखाई देगा, सेंटर में हमें एम्प्लॉय का वर्किंग डिवीजन दिखाई देगा। इसके अलावा हमें जो UMID एम्प्लॉय स्मार्ट एंड यूनिक्यू मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड का एक बटन दिखाई देगा। साथ ही लेफ्ट साइड में हमें 3 बटन दिखाई देंगे, मास्टर डैशबोर्ड, प्रोफाइल सेटिंग और लॉगआउट। तो चलिए, हम जो हमें UMID एम्प्लॉय स्मार्ट एंड यूनिक्यू मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड का जो बटन दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों एम्प्लॉय की सारी डिटेल हमें यहाँ पर नज़र आएगी। पीएफ नंबर, एम्प्लॉय नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ पे, सारा हमें नज़र आएगा। तो चलिए, ये हम उम्मीद के डैशबोर्ड पे पहुंच चुके हैं, और इसके बाद में हमें फॉर्म भरने के लिए इनिशिएट एप्लीकेशन पर जाना होगा। तो हम इनिशिएट एप्लीकेशन पे चलते हैं।
यह इनिशिएट बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल्स फॉर एम्प्लॉय एंड फैमिली मेम्बर्स, ये एक पेज हमें दिखाई देगा जिसमें हमें कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ डॉक्यूमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कि किस किस डॉक्यूमेंट की एम्प्लॉय को जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉय के लिए खुद का एक फोटोग्राफ और उसके आश्रितों का फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, एम्प्लॉय का सिग्नेचर, एक पुराना मेडिकल कार्ड और सभी आश्रितों का आईडी प्रूफ, इन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट है रिक्वायर है जिनकी जरूरत पड़ सकती है उनके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ से एम्प्लॉय जान सकता है। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हम प्रोसीड्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से फिल है और अगर जो डिटेल नहीं भरी हुई है वो हमें भर लेनी है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो जो भी आपको स्टार नज़र आ रहा है वो स्टार वाले कॉलम हमें भरना ज़रूरी यानी वो रिक्वायर्ड है। बाकी अगर जहाँ पे स्टार नज़र नहीं आ रहा वहाँ ना भी भरे तो चलेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीचे जो चेकबॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पर एक डिक्लेरेशन नज़र आ रही है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट देयर आर नो एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट्स इन माय फैमिली एज पर रेलवे मेडिकल रूल्स, यानी कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर परिवार का कोई भी आश्रित नहीं है। तो अगर आपके ऊपर कोई परिवार का कोई आश्रित नहीं है तभी आप इस चेकबॉक्स पर मार्क करें या चेक करें, नहीं तो आपको यहाँ पर चेक मार्क नहीं करना है, यहाँ पे टिक नहीं करना है, या ऑप्शन आपको खाली रखना है, या आपको विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। तो देख लेते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन भरी है नहीं भरी। यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन भर रखी है। सारी इन्फॉर्मेशन भर लेने के बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ आपको बता रहे हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में आज स्टार नहीं है, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आधार नंबर हमने यहाँ खाली छोड़ रखा है, अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो रिक्वायर्ड नहीं है, और ना भी डालोगे तो चलेगा। बाकी जो स्टार वाले कॉलम है वो आपको भर लेना है। जैसे कि जेंडर, सिटी, पिन कोड, हेल्थ यूनिट जो आपका डिविजनल हॉस्पिटल लगता है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। नीचे चलना है, नीचे आपको यह दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ क्लिक द बटन एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट बिलो, मैक्सिमम साइज ऑफ द अपलोड इमेज शुड नॉट एक्सीड 2 MB, इमेजेज मस्ट बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली। यानी कि हमें यहाँ पे जानना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने जा रहे हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स की साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वो सभी डॉक्यूमेंट JPG और JPEG में होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको चार कॉलम नज़र आ रहे हैं, चार बटन नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला बटन है एम्प्लॉय पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। दूसरे कॉलम में ओल्ड मेडिकल आईडी कार्ड या पास डिक्लेरेशन अटेस्टेड बाय सुपरवाइजर, यानी कि पुराना वाला मेडिकल कार्ड अपलोड करना है। तीसरे वाले कॉलम में एम्प्लॉय का सिग्नेचर अपलोड करना है। चौथे वाले कॉलम में आपको कोई भी एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जो कि आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो पहले हम एम्प्लॉय का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। जैसे हम इस कॉलम पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अपनी मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी खुलेगी और जहाँ पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रखे हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से पासपोर्ट साइज का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं।
ये दोस्तों पासपोर्ट साइज का फोटो है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो चुका है। अब दूसरे वाले कॉलम में चलते हैं। दूसरे वाले कॉलम में ओल्ड मेडिकल आईडी कार्ड, यानी पुराना वाला जो मेडिकल कार्ड है उसे अपलोड करना है, तो हम इस वाले कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑफिस फिर गैलरी खुलती है जहाँ पर हमारे फ़ोटो स्टोर हैं। तो हम पुराना वाला मेडिकल कार्ड अपलोड कर लेते हैं। यह हमारा मेडिकल कार्ड है, इसे ओपन कर लेते हैं सेलेक्ट करके। यह हमारा डॉक्यूमेंट ओल्ड मेडिकल कार्ड अपलोड हो चुका। इसके बाद चलते हैं तीसरे कॉलम में एम्प्लॉय सिग्नेचर, यहाँ पर एम्प्लॉय का सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। ये क्लिक करते हैं एम्प्लॉय सिग्नेचर वाले कॉलम पर। जैसे क्लिक करते हैं तो फिर गैलरी खुलेगी और यहाँ से हम अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। इसके अलावा तीसरे वाले कॉलम में हमें कोई आईडी प्रूफ अपलोड करना है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेते हैं, ये फ्रंट वाला। और इसकी बैक वाली कॉपी भी हमें अपलोड करनी है दोस्तों। तो हम यहाँ जो प्लस वाला कॉलम नज़र आ रहा है ऐड मोर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो आधार कार्ड का बैक वाला जो है वो हमें अपलोड कर लेना है। ये सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको फैमिली का कोई मेंबर अगर आप पे आश्रित है, उन मेंबर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम जो फैमिली के आश्रित मेंबर हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं। फैमिली के जो भी मेंबर आश्रित हैं उन्हें ऐड करने के लिए आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड फैमिली मेंबर, यहाँ जो प्लस का निशान लगा है इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर न्यू फैमिली मेंबर एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आएगा। इस फैमिली मेंबर में हमें आश्रित वाले मेंबर्स की जानकारी फिल करनी है, मेंबर्स की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर हम आश्रित मेंबर की जानकारी भर लेते हैं।
जैसे हमने क्लिक किया तो एक न्यू फैमिली मेंबर एप्लीकेशन फॉर्म और खुल जाता है, तो इसमें हम तीसरे आश्रित फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले वाले कॉलम में, यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर जो आश्रित है उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। इसके बाद चलते हैं अगले कॉलम में रिलेशन, रिलेशन में हमें यहाँ पर डॉटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेट में चलते हैं, मैरिटल स्टेटस में चलते हैं, यहाँ पर हमें अनमैरिड करना है। इसके अलावा डिपेंडेंसी में आपको डिपेंडेंट रहने देना है। फिजिकली मेंशन चैलेंज, फिजिकली या मेडिकल चैलेंज में आपको नो सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप आपको खाली छोड़ पता हो तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ देना। रेजिडेंस एड्रेस ये अपने आप ले लेता है। सिटी आपको वही डालना है, पिन कोड नंबर डाल देना है और हेल्थ यूनिट डालनी जो कि आपका डिविजनल हॉस्पिटल लगता है। इसके अलावा आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनमें स्टार मार्क नहीं लगा यानी कि हम इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल भर लेने के बाद आपको दोस्तों इसे सेव कर लेना है। इससे पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो भी डिटेल आपने भरी है वो सही है। तो चलिए सेव कर लेते हैं। ये सेव बटन पर क्लिक किया, जैसे सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो वापस हम प्रोसीड पर आ जाते हैं। तो प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमें नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। प्लीज क्लिक द बटन एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट, यानी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। तो हमें नीले कलर का जो अपलोड डॉक्यूमेंट बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो चलिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हमें इस अपलोड कर लेना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया। इसके बाद में आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। आईडी प्रूफ में जो भी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने जा रहे हैं, तो सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। ये हमने आईडी प्रूफ अपलोड कर लिया। इसके बाद दोस्तों हमें अपडेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है, तो अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं। सारी डिटेल भर लेने के बाद हमें डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पर चेक मार्क करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद वापस अपने एप्लीकेशन पर पुल बैक करते हैं और बाकी और जो मेंबर हमने ऐड किए उसमें भी डिक्लेरेशन फॉर्म पर चेक मार्क कर देना है। प्रोसीड पर चलते हैं। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करके इसे भी सबमिट कर देते हैं। फिर वापस हमें पुल बैक करना है अपने एप्लीकेशन पर।
प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और कर्मचारी की जो स्वयं की डिक्लेरेशन उस पर भी क्लिक करना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन का जो चेक बॉक्स है वहाँ पर चेक मार के सबमिट कर देना है। सारे इंफॉर्मेशन भर लेने के बाद सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम दोस्तों अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं माय एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ग्रीन कलर में निशान हो गया कि इनिशिएट एप्लीकेशन ऑन 3/8/2019, यानी आपकी एप्लीकेशन इनिशिएट हो चुकी है। योर एप्लीकेशन स्पेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन कलर, यानी आपकी एप्लीकेशन इस जगह पर पेंडिंग पड़ी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।